नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान। भारतीय किसान संघ की बैठक कोलाय तहसील की गांव सुरजंडा में जिला अध्यक्ष कैलाश झांझड़ा की अध्यक्षता में रखी गई। बैठक में सुरजंडा ग्राम इकाई का गठन भी किया गया, जिसमें हरूराम नाई को अध्यक्ष, गोपीराम मेघवाल को मंत्री, भागीरथ सिंह को उपाध्यक्ष व नत्थी देवी को महिला प्रमुख चुना गया। बैठक में किसानों व मजदूरों की समस्याओं, उपनिवेशन विभाग के फसल बीमा क्लेम के लिए पटवारियों व तहसीलदार ने बीमा कंपनी से मिली भगत कर क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट गलत बनाकर भेजी है, जिस पर आगामी योजना बनाकर किसान संघ प्रदर्शन करेगा। बैठक में सहजिला मंत्री बाबूलाल गैदर, राणा सर सरपंच प्रतिनिधि पृथ्वी सिंह, सरदूल सिंह, बद्रीराम नाई, मदनलाल मेघवाल, शौकत खां सहित अनेक मजदूर व किसान उपस्थित थे। आज भारतीय किसान संघ की ग्राम इकाई सुरजंडा की बैठक हुई। बैठक में हरूराम जी को अध्यक्ष बनाया गया और बाकी कार्य करने की घोषणा की गई और भारत माता का पूजन भी किया गया। आज किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए वर्तमान परिदृश्य में जो कोलाय तहसील में उपनिवेश विभाग द्वारा 46 गाँव में किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा करते हुए किसानों को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में जीरो रिपोर्ट पर खराबा बताया गया है। वहीं कोलाय तहसील के गांव सुरजंडा में बीकानेर जिला कलेक्टर के जन सुनवाई कार्यक्रम में भारतीय किसान संघ के सहजिला मंत्री के नेतृत्व में उपनिवेशन विभाग ने कोलाय तहसील के 46 गांवों में फसल खराबा 40-80% होने के बावजूद भी पटवारियों व तहसीलदारों ने बीमा कंपनी के साथ मिली भगत कर शून्य खराबा की गलत रिपोर्ट बनाकर भेजने के विरोध में ज्ञापन देकर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई, जिसमें रामलाल नाई, रूपाराम शर्मा, हरूराम नाई, गोपीराम मेघवाल, भागीरथ सिंह, मदनलाल मेघवाल, बुद्ध सिंह सहित अनेक मजदूर व किसान उपस्थित रहे।